Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, the most beneficent, the most Rahman and Rahim. जिंदगी का सफर जो है जिंदगी, जिंदगी का सफर सीखने सिखाने का होता है. आप सीखते जाओगे, ये चलता 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 सफर, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है. तो हमने चीजें सीखी थी, सबसे पहले माइंड को आपने अंदर रखना है. लेकिन अभी माइंड अगर कोई बाहर की का हो तो देखे इधर आप कहीं ना देखें. सबसे पहले ये रूम पूरा आपने अगर देख लिया हो तो अभी रूम को ना देखें, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, आपको वैसे भी पता है, ठीक है. और ये आपकी जो शीट लगी हुई है यहाँ पे, ये भी आपको पता है इनका. ये फैन लगा हुआ है, ये सारे पता है ना आपको. ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, सारी चीजें जब आपको पता है, यस ठीक है, सारी चीजें आपको क्या है पता है. तो अभी तवज्जो इधर दे, हमें सीखनी है चीजें, सीख के अमल करनी है. दूसरी बात में कल भी बता के गया था कि डरना नहीं है, डरना नहीं है. लेकिन तीन दो बच्चे आए नहीं है, तो कल तो हमने डर को बिल्कुल खत्म कर दिया. इतना खत्म कर दिया, इतना खत्म कर दिया, डस्टबिन के अंदर भी डाल दिया था. हमने भी जब जिंदगी को स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, यहाँ से शुरुआत की थी. तो जो भी चीजें हैं सीखने से ही आती है. जो बंदा कहता है मैं वैसे बैठा रहूंगा, कोई फरिश्ता आएगा मेरे दिमाग के अंदर बात डालेगा, मैं सारा सीखूंगा. दिमाग को यहाँ पे हाजिर रखो, ठीक, दिमाग को कहीं बाहर नहीं, यहाँ पे है. तो हम आगे स्टार्ट करें, बहुत सारी चीजें सीखेंगे. अभी कोई नहीं आएगा क्लास में, मैं ही हूँ इंशाल्लाह. तवज्जो से सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उनको एक्ट करेंगे, उनको लाइफ के अंदर लाएंगे, ठीक है. तो बात ये, डर को हमने भगा दिया था, डर को खत्म कर दिया था. तो इस डस्टबिन में, डस्टबिन की शेप की तरह ये वैसे है, क्या है, शॉपनर है. डस्टबिन की शेप की तरह हमने ये किया था कि इसके अंदर राहिला कौन है यहाँ पे, राहिला, राहिला किसका नाम, आपका नाम राहिला है तो बता दीजिए नी सर. कितनी मरतबा पूछा है आपका नाम, आपने कितनी मरतबा मेरा नाम पूछा, फिर भी नाम पूछते जा रहे हो. तो ये क्या है, इसके अंदर हमने डर को डाला था. यूं किसी ने उंगली रखी थी तो कहा था कि राहिला का डर इसके अंदर आ जाए, राहिला का डर इसके अंदर आ जाए, राहिला का डर इसके अंदर आ जाए. तो यहाँ अभी जो रह रहे हैं, कौन रह रहा है, आप रह रही है, तो आप दो रह रहे हैं, आप दो इधर आ जाए, शाबाश. नहीं नहीं, आपका दुगना नहीं, पहले अभी नहीं होगा, आ जाए इधर, एक एक आ जाए, एक एक आ जाए, एक ही चीज यहाँ पे हाथ रखो बेटा. आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इधर आ जाए, इधर आ जाए, नाम क्या है, इससे पूछता हूँ यही बताएंगे. आपका नाम हारिस है, हारिस, आप कहें कि हारिस का डर इसके अंदर आ जाए. ये टांगे जो कांप रही है इसका भी इलाज है हमारे पास, सारा कर लेंगे. हारिस का डर इसके अंदर आ जाए, जोर से कहें, हारिस का डर इसके अंदर आ जाए, हारिस का डर इसके अंदर. भागी भागी जाए जाए, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, आ गया, डर आ गया. ये इतना आसान है, हारिस का डर जितना अंदर था, जिसम के जिस हिस्से में चल रहा था, पांव से चल रहा था, जिसम में जिस हिस्से से चल रहा था, वो निकल निकल के इसके अंदर आ गया. छोटी सी चीज है, देखें बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसके अंदर डर आ गया. अभी आप आ जाए, शाबाश, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए. नाम क्या है आपका, मुबशिर. टांगे कांप रही है, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे हाथ रखे, शाबाश. क्या नाम है, मुबशिर. वहां पे देखे, मुबशिर का डर इसके अंदर आ जाए, मुबशिर का डर इसके अंदर आ जाए, हाँ ठीक है, डर आ गया. देखिये छोटी सी चीजों के अंदर दो डर आ गया. परसों मैं कल जो लेके आया था वो दूसरा शोभनर था, उसके अंदर पूरा डर निकाल के. अभी क्या करेंगे इस डर को, आप आना चाहती हैं, आप आ जाए, शाबाश. डर को भगाना है, डर को भगाने के लिए चीजें करेंगे. यहाँ पे हाथ रखे बेटा, क्या नाम है आपका, कहा है, इकरा का डर इसके अंदर आ जाए, डर को मजबूत करें, डर को, इकरा का डर इसके अंदर आ जाए, फिर कहें, ये दिखाई दे रही है डर है, डर है, डर अगर खत्म हो जाता फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आप मुझे सर कितनी मर्तबा क्यों पूछ रहे हो,
बता रहे ये सोमनर है, आप इसको डस्टबिन कह रहे हो, डर इसके अंदर आएगा कैसे? अपने खाली अंगूरी रखी ऐसे कैसे डर आ गया इसके अंदर? लेकिन आपका दिमाग जो है वो आपको कंट्रोल करके बैठा है, आपको आपका कंट्रोल दिमाग कर रहा है, आप दिमाग को कंट्रोल करो। ये चीज है, सबसे पहले हमने ये चीज कही थी, दिमाग को आपने यहाँ पे हाजिर रखना है एनी हाउ, ठीक है, कहीं बाहर ना जाए, ये इस एरिया इस कमरे से बाहर ना, जब भी बात करें हाथों का इस्तेमाल करें, ठीक है? जब भी बात करें क्या करें? हाथों का हाँ, जब भी बात करें हाथों का इस्तेमाल आपको जरूरी 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 करना है। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ लो मुझसे, कोई सवाल किसी का? सवाल नहीं तो आप होशियार या मैं होशियार, इतनी जल्दी बात हम समझ जाते हैं, ठीक है? सर, फाइव क्लासेस फाइव क्लासेस।